हेलो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ त्यागी बंधु ये मेरी इंस्टा आइडिया आ रही है त्यागी बंधु नाइन नाइन त्यागी अंडर स्कोर बंधु नाइन नाइन uh, फोर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए कमेंट कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए ये आप चैनल पे नए हो यदि आप ऑलरेडी चैनल पे मेरे सब्सक्राइब हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए जो ये वीडियो शुरू करने वाला हूँ मैं इसमें विद एक्सप्लेनेशन के साथ मैं फिफ्टीन क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ जो फार्मा के सेक्शन से है तो बने रहिए वीडियो में फिफ्टी क्वेश्चन हम शुरू करने वाले हैं आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है ईसापा गोल सीड्स आर यूज एज लेग्जेटिव प्रगेटिव कैथाटिक्स या डाइजेस्टिव तो इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया है ये है लेग्जेक्टिव इसपा गोल और ये मिलता है इसको इंडियन फाइसली भी बोलते हैं ये अपटेंड होता है प्लेटेंगोटा इसकी आ, फैमिली है प्लान्टजनियसी यूज होता है बल्क लेगजेक्टिव इसक, इसका जो चेक करते हैं इसका स्वेलिंग फैक्टर से इसका इसको चेक करते हैं इसकी क्वालिटी और स्वेलिंग फैक्टर होता है इसका टेन ते, टू फोर्टीन इस पर गोल एडल्ट्रेट प्लेटेंगो लेंसुलाटा हैविंग है फैक्टर फाइव इट गिव्स पिंक कलर विद रुथेनियम रेड ड्यू टू प्रजेंस ऑफ म्यूसिलेस ये रेड कलर देता है रुथेनियम रेड के साथ और म्यूसिलेस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेसोरिन इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ग्वारगम ट्रेगा केन्थ ए या गम घटी तो इसका आंसर मैंने दिया गया ट्रेगा केंथ इज एबेंड फ्रॉम द एस्ट्रगल गमीफर फैमिली लेग्यूमिनोसी वाटर इन्सॉलेबल केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रेगा इज बेसोरिन सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट एंड दिस वाटर इनसोल इन्सॉलेबल जो इसकी प्रॉपर्टी है और ड्यू टू मिथोक्सी ग्रुप्स की वजह से होती है बेसोरिन की वाटर सोलिबल केमिकल प्रजेंट इन ट्रेगा ट्रेगा जिसमें वाटर सॉल कंटेंट होता है उसको ट्रैगा बोलते हैं वो एट टू टेन परसेंट होता है गम कराया इज़ ऑल्सो नॉन एज गम ट्रेगा जो गम कराया होता है उसको भी ट्रैगा बोलते हैं एज एन एक्सीडेट बाय द स्टर्कुलिया ट्रेगा वो एक एक्सीडेट होता है किस चीज़ का स्टर्कुलिया ट्रैगा का तो देखिए इस आ, वीडियो में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ, इसकी मैंने साथ में नीचे एक्सप्लेनेशन भी करके दी है तो यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कार्बोहाइड्रेट ऑपटेंड फ्रॉम एल्गी इज अगार एल्गिन कार्जेनिन जो कार्बोहाइड्रेट ऑपटेंड होता है वो इन सभी एल्गियों से होता है इसके लिए इसका आंसर है डी जो सू जो, जो, जो सी वीड्स जो गम होती है वो होती है अगार एल्गिन और कार्गे कार्जेनिन अगार फ्रॉम ये ऑपटेंड होता है जेलिडियम अमानसी से और ग्रेसिलेरिया और रेड एल्गी इसको बोलते हैं ये यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कल्चर मीडिया के और जो एल्गिन होता है हो ये होता है एलगिनिक एसिड जो पॉलिसक्राइड होता है ऑपटेंड होता है फ्रॉम ब्राउन ए, ब्राउन एल्गी से उसके बाद आता है कार्जेनन ये कार्जेनन जो होता है ये ऑपटेंड होता है क्रॉन्डोरसिप्रस रेड एल्गी से ये भी ऑपटेंड होता है क्रॉन्डोरस क्रिस्पस इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है रेड एल्गी इट इज सल्फोनेटेड पॉलिसक्राइड यूज एड गैलिक्लांट एक्सडेट है कैसे और ट्रैकेंथ सी गम सी गम और ग्वार है इस पगोल सी गम बताया मैंने गम और और प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है पैकेटिन ये पूरी एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन की चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और इसी तरह की क्लासिफिकेशन मिलेगी ग्वार गम इज ऑबटेन फ्रॉम जेलेडियम अमानसी साइपोवसिस टेट्रागोनोलोबस एंड एस्ट्रागलस गमीफर एंड एकेसिया अरेबिका तो ये ऑप्टेंड होता है बी साइमोपसिस टेट्रागोनोलोबस और ग्वारगम इज ऑप्टेंड फ्रॉम एंडोडर्मिस और साइमोपोसिस टेट्रागोन से मिलता है इट इज़ यूज एज द डिसंटेग्रेटिंग एजेंट डिसइंटेग्रेटिंग एजेंट यूज होता है और बाइंडिंग एजेंट यूज होता है एज वेल एज डाइटरी सप्लीमेंट इन डायबिटीज़ में और द वाटर सॉलेबल फ्रैक्शन ऑफ ग्वारगम इज़ कॉल्ड एज गन जो ग्वारन है वाटर सा है चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हीटिंग ऑफ सुक्रोज प्रोड्यूस अगर हम सुक्रोज को हीट करेंगे क्या वो प्रोड्यूस करेगा स्टार्च कैरामल डेक्सटन या डेक्सटन वो करेगा कैरामल आंसर नीचे दिया गया है बी हीटिंग ऑफ सुक्रोज प्रोड्यूस द कैरेमल विच में बी यूज एज कलरिंग एजेंट कैरमेलाइसेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर प्रेजेंस ऑफ हीट डेक्ट्रीन इज प्रोड्यूस बाय द कंट्रोल ऑफ हाइड्रोलिस ऑफ स्टार्च यदि स्टार्च की हम हाइड्रोलिसिस को कंट्रोल करें तो डेक्सट्रीन uh, uh, हमें मिलता है डेक्सट्राइन इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द ग्लूकोज यूजिंग लूकोनोस्टक मेस्ट्रॉइड्स बैक्टीरिया चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इनुलिन इज यूज एज डायग्नोस्टिक एजेंट टू एस एस इसको इंसुलिन मत पढ़ना ये इनुलिन है ये होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के लिए इनोलिन इज ए ये वाटर सॉलेबल पॉलीसक्राइड होता है इनोलिन हेलैनियम एंड यूज फॉर द जी एफ आर मेजर करता है जी एफ आर को जी एफ जी एफ आर ग्लोम फिल्ट्रेशन रेट कैन बी डिटरमाइन बाय एजेंट एक्सक्रीटेड एक्सक्लूसिव बाय द फिल्ट्रेशन इज नाइदर स्क्रीटेड नॉर एब्सॉर्ब इन यूरिन इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनोलिन क्रिटेनिन मैनिटोल और सोडियम थाल्यू सच ऑफ एजेंट इज वन ट्वेंटी टू वन थर्टी एम एल पर मिनट ये, ये इसकी एक्सप्रेशन वैल्यू होती है वन ट्वेंटी टू वन थर्टी एम एल पर मिनट इनोलिन द एक्सोजीनियस फ्रुक्टोज पॉलिसक्राइडस एंड सीरम क्रेटनिन लेवल इज़ यूज टू एस्टिमेट द रीनल फंक्शंस जो इनुलिन होता है ये एक्सोजीनियस फ्रुक्टोज पॉलिसक्राइडस होता है एंड सीरम क्रेटनिन लेल जो सीरम क्रेटनिन लेल होता है वो यूज्ड होता है एस्टिमेट किसका एस्टिमेट लगाने के लिए uh, जो रीनल फंक्शन होते हैं उसको एस्टिमेट लगाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं और इनलेज करता है मेज़र जी एफ आर को ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एडल्ट्रेटेड हॉनी इज डिटेक्टेड बाय जो एडल्ट्रेटेड हॉनी होता है उसके लिए हमारे पास होता है यहाँ पे फी टेस्ट फे फेस टेस्ट ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है हॉनी इज़ अपटेन फ्रॉम एपिस मेलीफेरा जिसकी फैमिली है एपी और ये इट इज़ यूज एज स्वीटनिंग एजेंट और इट इज़ एडल्ट्रेट बाय इनवर्टिश शुगर सॉल्यूशन व्हिच कैन बी डिटेक्टेड बाय फीज टेस्ट तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है थोड़ा घुमा फिरा के भी हो सकता है कि आपको पूछ सकते हैं यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके सामने सबसे पहले चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर लेमिनेरिया एंड कैल्प आर यूज टू प्रोडक्शन ऑफ ये होता है एल्जीनेट्स की प्रोडक्शन के लिए यूज़ लेमिनेरिया और कैल्प ये ब्राउन एक एल्गी है जो किसकी प्रोडक्शन के लिए होती है एल्गिनिक एसिड के लिए और एल्जीनेट्स के लिए आप चारों ऑप्शन भी देख लीजिएगा उसके बाद ही आप नीचे आंसर पर जाइएगा क्योंकि तब आपको एक बाइटर आइडिया हो जाता है कि खुद सॉल्व करने का नहीं तो मैं आंसर बाद में भी देता लेकिन आप लोग आंसर नहीं देते हो जैसे मैं प्रीवियस वीडियो भी डाला था तो देखते रहिए इस सीरीज को मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गम दैट इज़ नॉट अपटेन्ड फ्रॉम लेग्यूमस प्लांट इज इस। इसका आंसर है गम घटी गम घटी जो होती है वो अपटेंड होती है एनजियोस लेटिफोलिया से जिसकी फैमिली है मरिस्टेसी जैसी क्लोव की जो फैमिली होती है मरिस्टेसी ऑल अदर जो ऑप्टेंड होते हैं वो भी लेग्युमियोसी से लेग्यूमसी से होते हैं इंडियम जो गम आकाश या अराबी का है वो एडल्ट्री ट्रीट किया जाता है गम घट्टी के साथ पर ऑक्साइड एंजाइम प्रजेंट इन अकाशिया इज आइडेंटिफाइड बाय द बेंजिडिन टेस्ट जो गम घट्टी है वो लेग्योम प्लांट से ऑप्टेंड होती है और इसका जो सोर्स है वो है एनोजिस्स लेटिफोलिया और मेरिस्टेसिस की फैमिली है चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिलेनाइट जो जिलेनेटाइजिंग प्रॉपर्टी होती है स्टार्च की वो होती है किसकी वजह से वो होती है एमाइलो पैक्टीन की वजह से तो देख लीजिए एक बार स्टार्च के बारे में पढ़ लेंगे फर्स्ट है टू हंड्रेड टू थाउजेंड अनब्रांचेड अल्फा डी ग्लूकोज ग्लूकोज यूनिट जो होती है उसको बोलते हैं हम अमाइलोज इसलिए स्टार्च का दूसरा नाम अमाइलोज होता है जो कि सोलेबल होता है हॉट वाटर में और देता है ब्लू कलर विद आयोडीन के साथ अब देखिए राइट साइड में अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट जॉइंट जॉइंट लाइक ब्रांच ऑफ ट्री जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है वो जॉइंट लाइक ब्रांच होती है अल्फ़ा लाइक ट्री की तरह होती है जिसको हम एमाइलोपैक्टीन बोलते हैं वो इनसॉलिबल होता है हॉट वाटर के साथ गिव देता है उसके साथ देता है वॉयेट कलर आइडिन के साथ और साथ में प्रॉपर्टी देता है जिलेनेटाइजिंग प्रॉपर्टी जो होती है स्टार्च की उसको कौन देता है अमाइलोपैक्टीन कई बार दोस्तों जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन ये भी आता है द अनदर नेम ऑफ द स्टार्स इज दैट इज अमाइलोस अमाइलन भी बोलते हैं इसको और इसकी जो जिलेटेन जिलेटेनाइजिंग प्रॉपर्टी होती है वो अमाइलोपैक्टिन की वजह से होती है और चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉटन सिल्क नायलॉन या जूट आपको वेरी वेल पता है नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है चलिए कॉटन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं ये मिलता है एपिडर्मस ट्राइकोमस सीड ऑफ गोसिपियम हिरोस्टम और गोसिपियम हर्बेसियम फैमिली है इसकी मालवीयसी और ये यूज एज होता है एड्जॉर्बेंट के सिल्क जो होता है वो ऑप्टेंड होता है कोकुन्स ऑफ बॉम्बेक्स मोरी विच इज़ इन द मालवरी प्लांट लिवस बहुत टाइप के सिल्क होते हैं इंडिया प्रोड्यूस फोर टाइप ऑफ सिल्क जिसके नाम है टासर मूंगा एरी सिल्क विच ऑफ मलबेरी इज मोस्ट कॉमन कल्टिवेशन सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस दैट इज कॉल्ड ए सैरिकल्चर जो हम सिल्क की स्टडी को बोलते हैं उसे सेरीकल्चर बोलते हैं सिल्क कंटेन प्रोटीन फिब्रियन विच ऑन हाइड्रोलिस प्रोड्यूस द ग्लाइसिन एंड एलानिन जो सिल्क होता है ये इसमें एक प्रोटीन होती है फिब्रोइ अगर इसकी हम हाइड्रोलिस करें या हाइड्रोलिस का मतलब होता है कि ब्रेकडाउन लिसिस जिसमें लगा होता है ये देता है ग्लाइसिन और एलानिन इट डज़ नॉट कंटेन सल्फर सो टेस्ट विद द एसिडेट इज नेगेटिव इसमें सल्फर नहीं होता है इसलिए इसका टेस्ट एसिड के साथ नेगेटिव आता है और जो जूट होता है जूट अपटेंड होता है प्लांट प्लांट क्रोकस क्राक्रस ऑलिटोरियस से और जो नाइलॉन होता है ये पोलामाइड्स होता है और सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होता है इसलिए इस क्वेश्चन का जो एग्जांपल है सिंथेटिक फाइबर पूछा गया इसमें वो नाइलॉन इसका आंसर होगा आप चारों ऑप्शन को देख लीजिए फिर ही आंसर दीजिए चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन स्लाइवा पेप्सिन यूरोइनिज डाइटिज या रेनिन रेनिन आपको पता है किडनी में होता है यूरोइाइनज भी किडनी से रिलेटेड है पेप्सिन आपको प्रोटीन से रिलेटेड है और डायटेज इसका आंसर है अब पढ़ लेते हैं सी इसका आंसर है एग्जाम्पल डाइटिज को अमाइलेज भी बोलते हैं ये ह्यूमन स्लाइवा में पाया जाता है जो कि डाइजेशन करता है स्टार्च की पेप्सिन स्टमक में पाया जाता है जो कि प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है यूरोइनिज ह्यूमन यूरिया यूरिन में पाया जाता है जो कि प्लाज्मिनो एक्टिवेटर एंजाइम है रेनिन यहाँ पे रेनिन एक किडनी में एंजाइम होता है लेकिन यहाँ पे एंजाइम नहीं है यहाँ पे एंजाइम है लेकिन यदि सिंगल एन होता तो हॉर्मोन्स होता ये न्यूबॉर्न एंड रियूमिन में पाया जाता है डाइजेशन ऑफ मिल्क के लिए और उसके बाद होता है एल एस और जो एल एस होता है वो इक्ोलाई में पाया जाता है और ट्रीटमेंट होता है लिफेटिक ल्यूकेमिया के लिए देखिए सारी क्लासिफिकेशन है पढ़ लीजिएगा ध्यान से मूव करते हैं नेक्स्ट क्योर गूगल एंड ऑल योर फ्रॉम इन इज कमीफोरा मुकल्स बोरेलिया डिफ्यूजा बुकोपा मोनेरी तो इसका जो राइट है वो है टू यानी बी तो देख लीजिए गूगल लिपिड जो तो इथे एक्सट्रैक्ट गूगल टेस्ट इन कंटेन ई एंड जेड गूगुल्स अब गूगल जो होता है वो कमीफोरा मुकुल से मिलता है या कमीफोरा विगटी से जिसकी फैमिली है ब्रूसेसी और ये एंथ्रा पा एंटी हाइपरलिपिडेमिक हाइपर लिपिडेमिक यूज होता है और उसके बाद है शंख पुष्पी वो है ईवोल्बुबस एरिनो एरिनोनोइट्स और यू फेरविसी फैमिली है नर्वटोनिक यूज होती है उसके बाद है पुनर्नवा जिसका जो बायोलॉजिक सोर्स है वो है बोहेविया डिफ्यूजा और इसकी जो फैमिली है नेक्टेनजीसी और डायबिटिक्स से यूज होता है उसके बाद ब्रह्मी आता है जो ब्रह्मी होता है उसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो बोकोपा मोनेरी होता है और वो उसकी फैमिली प्लांटेजनियस से होती है और ब्रेन टोनिक टॉनिक यूज होता है देखिए जो ये सारे शंख पुष्पी पुनर्नवा ब्रह्मी ये सारे आज और टॉनिक ही यूज़ किए जाते हैं चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी ओसीम uh, सेक्टम जो तुलसी होता है एजा डायरेक्टिका इंडिका जो नीम होता है एलावाइम स्टाइबम जो कि लहसुन होता है एम्बिल का ऑप्शनलिस जो कि आंवला होता है तो ये आपको अच्छी तरह पता है कि रिसोर्स आंवला होता है इसलिए आंसर डी आंवला फ्रूट जो अपटेंड होता है वो एम्बलिका ऑप्शनलिस से अपटेंड होता है जिसकी फैमिली यूफोरबेसी है रिसोर्स होता है विटामिन डी का तुलसी ओसीमम सेक्टम और लेबेटी फैमिली एंटीसेप्टिक और एक्सपेक्टरेटर तो यूज़ होता है नीम बार्क से यूज नीम बार्क और लीव्स से टाइम से मिलता है एज का डायरेक्ट का इंडिका इसका बायोलॉजिकल नेम है मालवेसी इसकी फैमिली है टॉनिक यूज होता है इंसेक्टिसाइड उसके बाद गार्लिक ये बल्लब से ऑप्टेंड होता है एलायम स्टाइवम लीलियसिस की फैमिली है कार्बिनेटिक एंड एंटी, एंटी, एंटी हेथ्रोजेनिक ये यूज़ होता है नेक्स्ट वन है ब्रह्मी अभी हमने पढ़ा वो कोपा मोनेरी इसका बायोलॉजिकल सोर्स है प्लांटिजिनसी फैमिली है ब्रेन टॉनिक के लिए यूज किया जाता है ये बायोलॉजिकल सोर्स फैमिली और इसकी यूज बताया गया है आप ध्यान से देख लीजिए चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर द पंजेंट स्मेल ऑफ गार्लिक गार्लिक का मैंने अभी बायोलॉजिक सोर्स पढ़ा है अलाइम स्टाइम और इसका जो पंजेंट टेस्ट होता है वो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड की वजह से होता है आंसर सी राइट है द पंजेंट स्मेल ऑफ गार्कल गार्लिक ड्यू टू द सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जिसको एलिसिन और एलाइल थायोसल्फेट भी बोलते हैं यहाँ तक आप मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और मोटिवेट होते रहिए और ये जो क्वेश्चंस हैं नाइपर के अकॉर्डिंग है और किसी भी फार्मेसी एग्ज़ाम पे आ सकते हैं जरूरी नहीं इस पर ठप्पा लगा हो कि ये नाइपर के एग्ज़ाम में आएंगे तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखा उसमें बहुत अच्छी वो दी है उसको देखिए और आंसर दीजिए थैंक यू